आरोप प्रत्यारोप के बावजूद भी शमी ने कैसे की वापसी। नमस्कार, मैं विशाल, आप देख रहे हैं देश रोजाना। एक वक्त था जब मोहम्मद शमी पर उनकी बीवी ने पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लेने के आरोप लगाए थे। मोहम्मद शमी देश की निगाहों में संदिग्ध साबित किए जा रहे थे। आज एक वक्त है जब सिर्फ 3 वर्ल्ड कप मैच में 14 विकेट चटकाकर मोहम्मद शमी भारत के सबसे बड़े हीरो बन चुके हैं। मोहम्मद शमी का नाम अब भारत के घर घर में लोकप्रिय हो चुका है। जब भी मोहम्मद शमी को गेंद थमाई जाती है, विपक्षी बल्लेबाजों की धड़कन बढ़ जाती है। उनके सामने आते ही बल्लेबाजों को लगता है कि अब तो खैर नहीं। इस आदमी ने अपने निजी जिंदगी में जो कुछ भी भुगता है उसे सोचकर भी कलेजा कांप जाता है। मोहम्मद शमी की बीवी ने सरेआम उनकी इज्जत हवा में उछालने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने इशारों इशारों में मोहम्मद शमी पर आतंकवाद से रिश्ते और मैच फिक्सिंग तक के आरोप मढ़ दिए थे, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट में कोहराम मच गया था। एक वर्ग था जिसने मोहम्मद शमी को भारतीय टीम से बाहर करने की मांग शुरू कर दी थी। मोहम्मद शमी को क्रूर इंसान के तौर पर पेश किया गया। बंगाल से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले मोहम्मद शमी को टीम से बर्खास्त करने की मांग उठी। मीडिया में दिन रात मोहम्मद शमी के खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी की गई। बगैर किसी जांच के मोहम्मद शमी दोषी करार कर दिए गए थे। उन्होंने एक अबला नारी पर हिंसा करने वाला राक्षस के रूप में पेश किया जा रहा था। यहां पर दाद देनी होगी तत्कालीन क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के अध्यक्ष सौरव गांगुली की। उन्होंने साफ कर दिया था कि मोहम्मद शमी हमारे साथ बने रहेंगे, हम आरोपों की जांच में पूरा सहयोग करेंगे, जब तक जांच पूरी नहीं होती मोहम्मद शमी पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। मोहम्मद शमी की बीवी हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी ने दुबई में पाकिस्तानी नागरिक से पैसे लिए थे। आपको तो पता है कि पाकिस्तान से संबंध का मतलब भारत में क्या होता है। मोहम्मद शमी की बीवी ने कहा कि शमी के कई महिलाओं के साथ रिश्ते थे और उन्होंने मुझे जान से मारने का प्रयास किया था। मोहम्मद शमी भारत में खलनायक के तौर पर पेश किए जा रहे थे। BCCI ने भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के प्रमुख नीरज कुमार को जाँच सौंप दी। जाँच पूरी होने तक मोहम्मद शमी का अनुबंधन निलंबित कर दिया गया। मोहम्मद शमी के लिए हालात मुश्किल होते जा रहे थे। घर से निकलते थे तो मीडिया वाले चारों तरफ से घेर कर आरोपों की बौछार शुरू कर देते थे। मोहम्मद शमी के लिए क्रिकेट के मैदान पर वापसी काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही थी। डर था कि मोहम्मद शमी कहीं संन्यास का ऐलान ना कर दे। मोहम्मद शमी मुश्किलों के आगे डट कर खड़े रहे, सीना ठोक कर रहे और आखिरकार BCCI ने, भ्रष्टाचार निरोधी इकाई ने मोहम्मद शमी को बेकसूर पाया। शमी पर लगाए गए सारे आरोप तत्काल खारिज कर दिए गए। इसके बाद उन्हें फिर से BCCI ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप के 3 मैच में 14 विकेट हासिल कर चुके हैं। 4 मैच बेंच पर बैठने के बाद मोहम्मद शमी न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरे और 10 ओवर में 54 रन देकर 5 विकेट चटकाए। मोहम्मद शमी ने इंग्लैंड के खिलाफ 7 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। इस दौरान 4 में से 3 बल्लेबाजों को मोहम्मद शमी ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मोहम्मद शमी ने श्रीलंका के खिलाफ 5 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट चटकाए। मोहम्मद शमी 14 वर्ल्ड कप में मैच के बाद सबसे ज़्यादा 45 विकेट चटकाने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। देश रोजाना को मेंशन कर मुश्किल हालात से लड़कर भारत के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद शमी को आप हमारे चैनल द्वारा मुबारकबाद दे सकते हैं। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।